हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कद्दू की सब्जी बनाना बताएंगे, जो कि पराठा से खाने वाला सादा सब्जी। तो इसके लिए हमने लौकी को, एक छोटा लौकी को हमने काट कर इसे धो लिया है, और उसके बाद दो सूखा मिर्चा, मेथी, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं। अब हम गैस को जलाएंगे। गैस जलाकर उसके बाद हम कढ़ाई रखे हैं, गरम हो जा रहा है। उसके बाद हम तेल डालेंगे। कढ़ाई गरम हो गई, इसमें हम तेल डाल देते हैं। उसके बाद हम दो सूखा मिर्चा का तड़का दे देते हैं। उसके बाद हम मेथी डाल देंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जी डालेंगे। मेथी ब्राउन हो गया, इसके बाद हम सब्जी डाल देते हैं। इसके बाद नमक, हल्दी, अब इसे हम पूरा मिला देंगे और इसे हम ढक देंगे। कद्दू का सब्जी देख लेते हैं। अगर कद्दू अगर नहीं गले तो इसे करछी से थोड़ा मिला लेने से सब्जी सही हो जाता है, गल जाता है, मिल भी जाता है। कद्दू का सब्जी बनकर तैयार हुआ, इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। ये गर्मी का सब्जी बहुत अच्छा होता है, रोटी चावल के साथ खाने में ज़्यादा मसाला का भी यूज नहीं होता है। एक मिर्चा के या दो मिर्चा पर यह सब्जी बन जाता है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए कद्दू का सब्जी कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये रोटी के साथ खाने से बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप लोग भी बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।